subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 89 अमवात हो गई। एक ही दिन में 2885 नए मरीजों की तशखीस हुई। पाकिस्तान को मोहम्मद और भाषा की सूरत में दो बड़े डैम्स मैसर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने ट्वीट में मोहम्मद डैम पर जारी तामीराती काम के हवाले से वीडियो शेयर कर दी। पीडीएम रहनुमा जज्बाती हो गए, उनके इस्तीफों से जमहूरियत को फ़ायदा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम आईनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज इश्तिहारी करार दे दी गई। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के तीनों गवाहों पर जिरह करने का हुक्म दे दिया। लाहौर के जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। मरियम नवाज कहती हैं कानून और आइन की बातें हुकूमत को जेब नहीं देती। मुल्क के बड़ा इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। शदीद सर्दी की वजह से जलाने की लकड़ी की मांग बढ़ गई, कीमत में नुमाया इजाफा हो गया। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 9059566699। कोरोना वायरस से 89 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8487 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,23,179 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2885 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,24,191, सिंध में 1,86,212, खैबर पख्तूनख्वा में 50,078, बलोचिस्तान में 17,501, गिलगित बल्तिस्तान में 4,746, इस्लामाबाद में 33,061, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,390 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 58,27,852 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,610 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,70,474 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,486 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 89 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 8,487 हो गई। पंजाब में 3,218, सिंध में 3,060, खैबर पख्तूनख्वा में 1,419, इस्लामाबाद में 341, बलूचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान में 98 और आज़ाद कश्मीर में 182 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंगला और तरबेला के 5 अशरों बाद पाकिस्तान को मोहम्मद और भाषा की सूरत में दो बड़े ज़खायरे आब मैसर आएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने ट्वीट में मोहम्मद डैम पर जारी तामीराती काम के हवाले से वीडियो शेयर की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंगला और तरबेला के 5 अशरों बाद पाकिस्तान को मोहम्मद और भाषा की सूरत में दो बड़े ज़खायरे आब मैसर आएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात पर वाक़िया मोहम्मद डैम का तामीराती काम तेज़ी से जारी है। तामीर मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद डैम 800 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेगा। डैम की तामीर से 16,000 एकड़ ज़रई अराजी को भी सैराब किया जा सकेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि धरने और जलसों से हुकूमतें नहीं जातीं। 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हारने वालों ने तस्लीम नहीं किए। 2018 के इलेक्शन नतायज आपको कबूल नहीं तो 2013 के नतायज भी किसी ने तस्लीम नहीं किए थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि PDM रहनुमा जज्बाती हो गए हैं, उनके इस्तीफों से जमहूरियत को फायदा नहीं होगा, PDM आईनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही। कोरोना से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान कोरोना की वबा से दो चार है, कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, इस वबा से हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। भारत में किसानों के जारी एहतजाज पर वजीर खारजा ने कहा कि भारत में सेक्युलर रियासत चेहरा अब नहीं रहा, किसानों के एहतजाज से भारत को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत में किसानों का एहतजाज इसका अंदरूनी मामला है, हमें इसमें नहीं कूदना चाहिए। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तहारी करार दे दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात से मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तहारी करार देते हुए रेफरेंस के तीनों गवाहों पर जरह करने का हुक्म भी दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत को रूबरू बयान दिया कि तीनों अदवार, मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली और एक धेले की भी करप्शन नहीं की। जज जवादुल हसन ने कहा कि आपकी बेहतर तर्जुमानी मरियम औरंगजेब कर सकती हैं, आप कम बोलें तो अच्छा है, यहाँ सब कुछ नोट होता है। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और नैब को अपने गवाह पेश करने का हुक्म दिया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कानून और आइन की बातें हुकूमत को जेब नहीं देती, लोग महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, लोग PDM में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक जलसे की वजह से 3,000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हो? उन्होंने हम पर इतनी FIRs कायम कर दी हैं कि अब हमें किसी FIR का खौफ नहीं है। मेरी गिरफ्तारी की सूरत में इस तहरीक की क़यादत आवाम करेंगे। PDM के सरबराही इजलास से मुतालिक मरियम नवाज ने कहा कि PDM का इजलास बहुत अहम है, ये आवाम को मुश्किलात से निकालने और उन्हें रिलीफ दिलाने की तहरीक है जो अब इस हुकूमत को घर बेच के ही दम लेगी। PDM में इस्तीफों समेत बहुत सी चीजें ज़ेर गौर हैं और कई पर हतमी फैसला जल्द मुतवक्के है। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बाद इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। लवारी टनल पर 5 इंच बर्फ पड़ी है, जिसके बावजूद लवारी टनल रोड पर आमदोरफ्त जारी है। बालाई चित्राल के खोत, लासपोर, शिंदोर और तिरीच, जबकि लोअर चित्राल के गर्म चश्मा, कालाश, व्हील्स, मिड क्लिस्ट में बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत दुगनी हो गई। शदीद सर्दी की वजह से जलाने की लकड़ी की मांग बढ़ गई, जिसके नतीजे में इसकी कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हो गया कि वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। उधर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और बाला इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। कमराट, लवारी टनल, शाही बिन शाही, लड़म, कल्पानी, मंजई, कंडो, अशरई दर्रा बरवाल, तूर मंग दर्रा, नहाक दर्रा, कारुदरा और दीगर इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे राबता सड़कें बंद पड़ी हैं और बिजली भी मुनक़ता है। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के इलाके कोयटा, कलात, रोब और दलबदीन में बारिश हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा, अस्तूर, इसकरदू और कालाम में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.